नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी के द्वारा पूछे गए मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स जेएनएम नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं या फिर नहीं। मतलब कि अगर आपने ट्वेल्थ आर्ट स्ट्रीम से किया तो आप क्या जेएनएम कर सकते हैं या फिर नहीं। कुछ स्टूडेंट्स का सवाल ये भी था कि सर हमने पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से ट्वेल्थ किया है तो क्या हम जेएनएम कर सकते हैं या फिर नहीं। तो अगर आपके भी यही क्वेश्चन है तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। इस वीडियो में हम आपको प्रूफ के साथ बताएंगे एंड दिखाएंगे कि आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं जेएनएम कोर्स में एडमिशन के लिए, अगर आप ट्वेल्थ आर्ट स्ट्रीम या फिर मैथमेटिक्स से पास किए हैं तो। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फीस के बारे में, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज में जो फीस है वो कितनी होती है ये भी बताएंगे, और कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी चाहिए जिससे एडमिशन लेने के बाद आपको पछताना ना पड़े। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक बने रहिए, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा अगर आप राइट इन्फो क्लब के वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और ध्यान से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं प्राइवेट कॉलेज से। साथियों, एक प्राइवेट कॉलेज है उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जेएनएम यानी कि जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी 3 ईयर्स यानी 3 साल का कोर्स है। और यहाँ पर आप देख पा रहे मेंशन किया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मेंशन है, 10+2 विद मिनिमम 40% मार्क्स इन एग्रीगेट, यानी कि ट्वेल्थ में अगर आपके कम से कम 40% यानी 40% मार्क्स हैं मिला करके, सभी सब्जेक्ट के मार्क्स मिला करके कम से कम 40% हैं, तब भी आप इस कोर्स में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। स्ट्रीम चाहे जो भी हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कोई भी स्ट्रीम हो, आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। कब तक? 31 दिसंबर 2023 तक, अगर आप 23 में एडमिशन लेने वाले हैं तो, या फिर आप जिस वर्ष एडमिशन लेने वाले हैं उस वर्ष के 31 दिसंबर तक अगर आपकी एज कम से कम 17 वर्ष हो रही है या फिर इससे ज़्यादा हो रही है, कम नहीं होनी चाहिए, 17 वर्ष हो रही है या फिर इससे ज़्यादा हो रही है, तो डेफिनेटली आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। एंड बात करें मैक्सिमम एज लिमिट की तो मैक्सिमम है 35 ईयर्स एंड की 35 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष की एज तक एडमिशन आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की। तो साथियों, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफ आई इटावा। इस यूनिवर्सिटी का जो नर्सिंग कॉलेज है उसमें जेएनएम नर्सिंग का कोर्स है और उसमें 60 सीटें हैं इस कोर्स की, 3 साल का कोर्स है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पर देख पाएंगे, 10+2 विद इंग्लिश एंड मस्ट हैव ऑब्टेन्ड ए मिनिमम ऑफ 40% एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी ट्वेल्थ आपने पास किया हो कम से कम 40% मार्क्स के साथ, कम से कम 40% होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, 40 हैं या फिर इससे ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली आप एलिजिबल होंगे। और अगर आपने स्टेट ओपन स्कूल से ट्वेल्थ किया है या फिर आपने NIOS से ट्वेल्थ किया है तब भी आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। एज आपकी कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 35 वर्ष। एंड अगर आपने NM नर्सिंग का कोर्स किया तब भी आप इस कोर्स में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। NM नर्सिंग का जो कोर्स है इसको केवल लड़कियाँ कर सकती हैं, और जो जेएनएम नर्सिंग का कोर्स है इसमें लड़के और लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि इसमें मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो भी आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट को एडमिशन देते हैं जेएनएम में, एंड प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो भी आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं जेएनएम नर्सिंग कोर्स में। कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हो सकते हैं वहाँ पर ये लिखा हो कि ट्वेल्थ अंग्रेजी विषय के साथ में और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन विषयों के साथ में किया हो, मतलब कि ट्वेल्थ में साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश ये विषय हों, तभी एडमिशन मिलेगा। बट अधिकतर कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, उनमें किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट को एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस में मैक्सिमम चांसेज हैं, अगर आप एक आर्ट्स या फिर कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें भी आपको एडमिशन मिल सकता है, बट कुछ कॉलेजेस केवल बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं एक दूसरे प्राइवेट कॉलेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी कि जेएनएम। जॉब प्रोफाइल्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो कि जेएनएम करने के बाद मिलती है, कौन कौन सी, नर्सिंग ट्यूटर के तौर पर आप काम कर सकते हैं, सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट के तौर पर, सीनियर नर्स एजुकेटर के तौर पर, होम केयर नर्स, ICU नर्स, स्टाफ नर्स, टीचर नर्सिंग स्कूल में बन सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्स आप बन सकते हैं। तो साथियों, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो है 12th पास, कम से कम 12th अगर आपने पास किया है किसी भी सब्जेक्ट में, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेंशन है 12th पास एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में 12th पास किया तो आप एडमिशन ले सकते हैं। कोर्स की ड्यूरेशन है 3.5 ईयर्स, ये कैसे, 3 साल का आपका कोर्स होगा, 6 महीने की इंटर्नशिप, इसलिए यहाँ पर 3.5 ईयर्स लिखा है। ठीक है,
अब चलते हैं हम इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी कि INC के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे indiannursingcouncil.org, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जब आप प्रोग्राम्स में आएंगे एंड क्वालिफिकेशन पर जाएंगे तो यहाँ पर अलग अलग जो प्रोग्राम्स हैं उनका जो क्वालिफिकेशन है देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे JRM का, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मेंशन है कि 12th आपने इंग्लिश विषय के साथ में पास किया हो, कम से कम 40% मार्क्स हो, NIOS या फिर स्टेट ओपन से अगर आपने 12th पास किया तब भी आप एलिजिबल हैं। NM नर्सिंग का कोर्स किया तब भी आप एलिजिबल हैं JRM नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपने 12th आर्ट्स स्ट्रीम से किया है तब भी आप इस कोर्स में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, JRM नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। कॉमर्स से किया है, PCM से किया है, किसी भी सब्जेक्ट से 12th पास किया है तो आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि एडमिशन देते हैं आर्ट्स वाले स्टूडेंट या फिर किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट को। कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं जो कि किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट को JRM में एडमिशन देते हैं, बट कुछ कॉलेजेस हैं जो कि केवल बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को यानी कि वो साइंस वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं JRM में। तो ये भी चीज़ें हैं, ये भी आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फीस के बारे में। तो फीस जो होती है वो डिपेंड करते हैं कॉलेज पर, या आप किस प्रकार के कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से कोर्स करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट। सरकारी कॉलेजों में बात करें तो 30,000 से 45,000 रुपये फीस हो सकती है, एंड प्राइवेट कॉलेजों में 1,00,000 से 13,90,000 रुपये। ये टोटल कोर्स की फीस की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। 3 साल का कोर्स होता है उसकी फीस यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। अगर हम बात करें पर ईयर की तो कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे होंगे जहाँ पर आपको 85,000 रुपये पर ईयर यानी कि 1 साल की फीस देखने को मिले, 85,000 रुपये, ठीक है। कुछ कॉलेज हो सकते हैं जहाँ पर 1,00,000 रुपये हो 1 साल की फीस, और कुछ कॉलेज ऐसे हो सकते हैं वहाँ पर जो फीस है वो 1,20,000 रुपये या फिर 1,30,000 रुपये हो पर ईयर की, ठीक है। इस तरीके से फीस होती है। गवर्नमेंट की बात करें तो कुछ कॉलेजेस होंगे वहाँ पर आपको 29,000 से 30,000 रुपये पर ईयर की फीस देखने को मिले, एंड कुछ कॉलेज होंगे उनमें आपकी जो फीस है वो 30,000 से 45,000-50,000 रुपये टोटल फीस हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट में बहुत कम फीस में भी आप कर सकते हैं ये कोर्स, एंड प्राइवेट में जो फीस है वो थोड़ा ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो डिपेंड करेगा कॉलेज पर कि आप किस कॉलेज से कोर्स करने जा रहे हैं। अगर आप प्राइवेट से करना चाहते हैं तो आप प्राइवेट कॉलेजेस का जो फीस है वो देख लें, और आप ये ज़रूर चेक कर लें कि वो कॉलेज या फिर वो यूनिवर्सिटी जो कि एडमिशन देने जा रही है JNM में, वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं। अगर वो मान्यता प्राप्त है यानी कि रिकॉग्नाइज्ड है तभी आप इस कोर्स में एडमिशन लें। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों के साथ आप ज़रूर शेयर करें जो कि जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो कुछ कॉलेजेस के जो फॉर्म है स्टार्ट हो चुके हैं, एंड जो कुछ कॉलेजेस के फॉर्म है वो स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस से कोर्स करना चाहते हैं तो आप प्राइवेट कॉलेजेस के कॉन्टैक्ट में बने रहें कि सर या मैम आप कॉन्टैक्ट करें और कहें सर या मैम आपके यहाँ के जो फॉर्म है JNM के वो स्टार्ट हो चुके हैं या फिर नहीं, या फिर कब से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेजेस से आप कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो फॉर्म है उसके लिए आपको जो गवर्नमेंट कॉलेजेस फॉर्म की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यूट्यूब पर भी आपको राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल पर भी JNM के जो फॉर्म है उनके अपडेट देखने को मिल जाएंगे। तो आप सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए जिससे आपको वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।